आज दोस्तों मेरे पास जियो का एक सेट है F320P। इसमें प्रॉब्लम पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे बैटरी लगाते हैं यहाँ पे गाइज, तो देखिए बैटरी लगाने के बाद जो प्रॉब्लम आएगा आप लोग देखिए क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, फिर भी मैं इस प्रॉब्लम आपको शो कर देता हूँ, ठीक है गाइज। तो आप देखिए यहाँ पे चार्ज में लगाया और चार्ज जो है फ़ोन ले भी लिया है, और यहाँ पे जो है देखिए डू नॉट रिमूव द बैटरी, ठीक है। बैटरी हटा देंगे फिर भी यहाँ पर चार्ज होगा, और यहाँ पे स्विच ऑफ में जो है ये चार्ज होता है, और जब स्विच ऑफ ऑन कर देते हैं तो बैटरी का यहाँ पे जो इंडिकेटर होता है ना, यहाँ पे इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। जो कि स्विच ऑफ में ये चार्ज यहाँ पे बता रहा है कि डू नॉट रिमूव बैटरी, लेकिन हम जैसे ही आपको ऑन करते हैं ना फ़ोन को, तो यहाँ पर चार्ज शो नहीं करता है। एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना गाइज, आपको करना क्या होगा फ़ोन में, देखिए यहाँ पे चलिए हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं बोर्ड को, ठीक है गाइस। इसको निकालने दीजिए मुझे। चलिए हम आपको यहाँ पे पहले जूम कर देते हैं, और यहाँ पे गाइस हम आपको थोड़ा ट्रेस करके दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना गाइस, कहीं ना कहीं जो इसका अभी मीटर को बीप मोड में रखेंगे गाइस, ठीक है। बस आप कंटिन्यूटी पे ध्यान रखिएगा, ओके। देखिए देखिए गाइस, जब भी 50% या फिर कुछ इस तरीके से जो है ना एरर आए, जैसे कि आपने फ़ोन ऑन कर लिया है इसके बाद आपको चार्ज नहीं शो कर रहा है, या 50% चार्ज शो कर रहा है, तो आपको जो है ना बैटरी के NTC पॉइंट को चेक करना है, ठीक है। NTC यानी कि बीचला जो ये वाला पोल दिख रहे हो, इससे आपको ट्रेस करना है, ठीक है। तो देखिए इसका लाइन कैसे गया हुआ है। सबसे पहले इसका लाइन हम फाइंड करते हैं। पहले बैटरी के देखिए बीप मोड में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक सिरे को यहाँ पर रखेंगे और दूसरे सिरे से चेक करेंगे, ठीक है। तो बैटरी के नीचे हमने चेक किया, ठीक है, जस्ट नीचे, तो यहाँ बीप कर रहा है। देन इसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, देखते रहिए आप। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया लाइन इसका, यहाँ से गैज कहाँ जाता है, इसके बाद गैज देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आया, और गैज यहाँ पे देखिए एक जो है यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ से उखड़ा हुआ है ना, देख सकते हैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस। पहले हम लाइन चेक करते हैं गैज, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे भी आया, और देखिए इसको ग्राउंड से चेक करते हैं, तो यहाँ से ग्राउंड से ये नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है गैज कि इसका जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे एक उखड़ा हुआ है ना, यहाँ पे अगर बीप करता है ना तो समझिए यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो देखिए बीप नहीं कर रहा है, ठीक है, ये लाइन ब्रेक है, ये वाला लाइन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों लाइन को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो यहाँ से अगर हम यहाँ जम्पर करते हैं तो हो सकता है मामला सलट जाए। देखते हैं हम जम्पर करके पहले, ठीक है गाइस। तो एक जम्पर वायर लेते हैं पहले, जो होगा आपके सामने होगा, लाइव होगा, ठीक है। इसके बाद गैज यहाँ पे जंपर कर देंगे, क्योंकि यहाँ से ये लाइन सही है ना, यहाँ तक मेरा ट्रैक सही था तो इसलिए यहाँ पे जंपर कर रहा है। अगर यहाँ तक ट्रैक सही नहीं रहता ना गैज, तो हम क्या करते हैं, बैटरी के यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे ये जो NTC पॉइंट है इसके नीचे में कर देता जंपर, ये हो जाता, ठीक है। तो मेरा जो बैटरी का जो यहाँ पर ट्रैक था वो यहाँ तक है, NTC पॉइंट का ट्रैक यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं रहता तो बैटरी बैटरी के बिचले वाले पॉइंट से नीचे से डायरेक्ट यहाँ पर जंपर हम कर सकते थे, ठीक है। तो अभी हम गैज क्या करते हैं, जंपर करना होगा फिर से, ठीक है।
चलिए गाइस यहाँ पर हो चुका है। अब इसको यहाँ से इस वायर को कट कर देते हैं। अब देखते हैं वो प्रॉब्लम जो है ना सॉर्ट आउट हुआ है या नहीं हुआ। पहले हम थोड़ा डिस्प्ले में रबर लगाए थे गाइस, ठीक है। चलिए जूम आउट कर देते हैं। पहले लाइन चेक कर लेते हैं, है ना। लाइन चेक करना ज़रूरी है, जो हमने जंपर किया है वो लाइन सही है या नहीं है, तो पहले हम लाइन चेक कर लेते हैं। ग्राउंड चेक कर लेना है। चलिए ग्राउंड नहीं हुआ है। अगर ग्राउंड होता तो आपको सही से जंपर करना होता, क्योंकि ग्राउंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, तो यहाँ पर गैस देख सकते हो, फिर भी डू नॉट रिमूव द बैटरी। चलिए ऑन करके चेक करते हैं एक बार। अगर गाइस यहाँ पे नहीं होगा ना, अगर जंपर वायर से यहाँ पे सही नहीं होता, तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस ही लगाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका प्रॉब्लम जो है ना सॉर्ट आउट होगा। तो पहले देखते हैं जंपर वायर के थ्रू होता है या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी जंपर किया बट प्रॉब्लम मेरे हिसाब से सॉल्व नहीं हुआ है ना। तो इसके बाद हम इसमें जो है ना रेजिस्टेंस लगाएंगे। पहले देख लेते हैं क्या सीन है इसका। तब तक चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल पे आपको। सो यहाँ पे टाइम लग रहा है, चलिए पॉज मारते हैं वीडियो को। सो गाइस देखिए फाइनली यहाँ पे जो है ना चार्ज जो है इंडिकेट कर रहा है, इससे पहले इंडिकेट नहीं कर रहा था यहाँ पे, है ना। अभी इंडिकेट कर रहा है, हम अभी निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे चार्ज निकालें, ओके गाइस, उसके बाद लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चार्जिंग शो करने लगा है ना। अभी हम आपको जंपर हटा के दिखा देते हैं प्रूफ के लिए, अदरवाइज आप बोलोगे कि जंपर के थ्रू नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम को जो है ना और मैं आपको बता देता हूँ। अगर गाइज यहाँ पे तो चार्जिंग शो कर ही रहा है, अगर यहाँ पे आपका चार्जिंग शो कर रहा है बट बैटरी परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, उस केस में आपको 1 किलो ओम का जो है ना रेजिस्टेंस वहाँ पे लगाना होगा, तभी जाके आपका जो है ना वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए चार्जिंग जो है शो करने लगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है ना वो जंपर को उखाड़ते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम जंपर को यहाँ से पहले हटा लेते हैं ताकि आप जो है ना विश्वास कर सको। देखिए ये जंपर है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ओके गाइस। चलिए हमने जंपर को तोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे हमने जंपर हटा दिया, ओके, यहाँ पे जंपर था उसको हटा दिया। अब यहाँ पे ऑन करके देखते हैं। चलिए ऑन कर लिए। अब यहाँ पे हम अभी डायरेक्ट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कट नहीं करेंगे वीडियो, अदरवाइज आप बोलोगे कि जंपर के थ्रू हमने फिर से चेक करके आपको दिखा दिया, तो हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे, ठीक है। जो होगा आपके सामने होगा, थोड़ा देर आप ही स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं वीडियो यहाँ पे कट नहीं करूँगा, ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो गाइस अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा, ठीक है। तो हो सके हमसे संभव होगा तो मैं आपको
सोल्यूशन बता दूंगा। अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो यहाँ पे देख सकते हैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट करते हैं गाइस। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो का लेंथ भी अच्छा खासा हो चुका है, 10 साढ़े 10 मिनट का हो चुका है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी चार्जिंग 0.5% मतलब 50% लग रहा है उसमें। अब चार्ज कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर चार्ज कनेक्ट किया, बट यहाँ पर जो है ना देखिए हमने चार्ज कनेक्ट किया, यहाँ पर चार्ज कनेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है ना गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने चार्ज से कनेक्ट कर दिया है, इसके बावजूद वो शो नहीं कर रहा है ना, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ना, आप देखिए कुछ इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को जो है ना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बता दूंगा कि यहाँ पे अगर आप जंपर नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे अगर आप जंपर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 1 किलो ओम का जो है रेजिस्टेंस लगा सकते हो। अब देखिए रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 1 किलो का है या कैसे है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक जो है ना जुगाड़ बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। पुराना बोर्ड लेना है, कोई सा भी बोर्ड ले लेना है। ठीक है, कोई बोर्ड भी ले लेना पुराना, और यहाँ पर इसको जो है ना 20 किलो ओम पर सेट कर देना है। ठीक है, 20 किलो ओम पर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेट करने के बाद आपको अपने मदरबोर्ड से एक जो है ना आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस कैसे आप फाइंड करोगे, मेरे पास अभी तो पुराना बोर्ड है नहीं, लेकिन मैं हाँ एक तो मिला, देखता हूँ गाइस इसमें अगर होने वाला होगा तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम आपको दिखा देते, तो इस बोर्ड से हम फाइंड करके कैसे फाइंड होगा सो। तो देखिए रेजिस्टेंस सबसे पहले आप पहचान लीजिए कैसा रहता है। देखिए ये ब्लैक कलर में जो है ना, ये सब रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये सब रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके पहले चेक करते हैं कि 1 किलो ओम का कौन सा है। चलिए ज़्यादा वैल्यू का है, इसकी वजह से शो नहीं कर रहा है, 20 किलो ओम से ज़्यादा का होगा। उन्नीस किलो ओम, देखिए 13 किलो ओम है। ठीक है, अभी गाइज आपको जो है ना देखिए यहाँ पे 4 किलो ओम है। ठीक है, चलिए इसको भी, ये भी नहीं लगेगा, 9 है, देखिएगा जी मैं आपको जो है ना रेजिस्टेंस तो बता ही दिया है आपको। ठीक है, आपको बस करना क्या है, 1 किलो ओम का फाइंड करना है, और उसको जो है ना देखिएगा जी यहाँ पे 1 किलो ओम का है, 1.10 जो है ना इसे 1 किलो ओम आप बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो देखिए जैसे ये 1.1 है ना, इसको क्या करेंगे ऐसे उखाड़ेंगे, वहाँ पर चिपका देंगे, सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियो आगे भी देखने को मिलेगा। गाइज इस वीडियो में थोड़ा वॉइस को हम लाउड नहीं बोल पा रहे, क्योंकि बगल में कुछ व्यक्ति है जिसकी वजह से हम लाउड नहीं बोल सकते गाइज, रिलेशन में, तो अभी फ़िलहाल हम थोड़ा डाउन बोल रहे हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर देना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कोई टॉपिक हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।